East India Company defeated by a single woman. A woman single-handedly takes 11 villages from the East India Company. Rani Lakshmibai fought bravely and defeated the British. Reported by John Lang. Who the hell is John Lang? Sir, he's in Australia. Our Calcutta man. Anti-British news published Karnike Satsat. British's K against Hindustanian Kili. Legal cases, Bhiva at Kartahe. तो नहीं दिख रही नहीं अभी। अब तो रानी बड़ी हो गई होगी ना, पता नहीं कैसी दिखती होगी। अब जैसे भी दिखती हो, पर अब तो उनका आंखों में चमक, मन में उत्साह और शक्ति और भी बढ़ गई होगी, है ना? आपका स्वागत है महारानी साहब।
जाने के बाद आपकी उपस्थिति का आभास दिलाता है। देखकर तो लगता है कि काम बहुत मुश्किल है। हमको पैलेस के अंदर का आदमी चाहिए। There are a lot of insiders. Look there. These people have always dreamed of Jones the Clone. No. इन पर तो गंगाधर इजली शक कर सकता है। हमको कोई पर्सनल चाहिए जिस पर डाउट करना किंग ऑफ झांसी के लिए इम्पॉसिबल हो। कोई ऐसा सर्वेंट जिसको हम इतना पैसा देगा कि उसने कभी अमेजन नहीं किया होगा। इसमें हम किसे कंट्रोल कर सकता है? क्या वो किंग ऑफ झांसी का प्राइम मिनिस्टर हो सकता है? धन्य हो महारानी, आपके आ जाने से झांसी धन्य हो गई है। या ये गंगाधर का बॉस ट्रस्टेड मैन? या ये झांसी का बूढ़ा प्रिस्ट? या ये क्वीन ऑफ झांसी का सॉफ्ट गन? फादर ऑफ लक्ष्मी भाई? क्या वो ये हो सकती है? पाजी साहब, Thank you.
क्या अपने नाना भाऊ से नहीं मिलोगी? हे देवा, नाना भाऊ कितने बड़े हो गए हैं आप। हाँ, बड़ा तो हो गया और साथ ही साथ मेरी तलवार भी बड़ी हो गई। और तुम? तुम अभी बित्ती पर बड़ी हो मेरी तलवार से। इसका निर्णय यहाँ नहीं, मैदान में होगा। जब समय हो आ जाइएगा। तुम बिल्कुल नहीं बदलो। हम स्वयं को कभी नहीं बदल सकते नाना भाव। बाबा साहब तुम्हें याद कर रहे थे। कहाँ है वो? अपनी छबीली से मिलने नहीं आए? उनका स्वास्थ्य क्या हुआ हमारे आजूबा को? नहीं नहीं, वो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल कुशल है। वो क्या है ना, राजकाज की व्यस्तता के कारण वो नहीं आ पाए। अब पर तुमसे मिलने जरूर आएंगे बेटा। स्थान ग्रहण कीजिए श्रीमंत। ईश्वर तुम्हारी हर मनोकामना पूर्ण करे। वैनी साहब, आप स्थान ग्रहण कीजिए। वैनी साहब, आप अपनी पुत्र वधु को आशीर्वाद नहीं देंगी? जी नहीं। छद्म भेषधारी स्त्री को आशीर्वाद नहीं दे सकते। वैनी साहेब, क्रोधित ना हो महाराज। परंतु इनके पास क्या साक्षी है कि यही रानी लक्ष्मीबाई हैं? हम नहीं मानते कि ये रानी लक्ष्मीबाई हैं। कोई साक्षी है इनके पास? और आश्चर्य की बात तो ये है कि आपको हमारी इस बात पर संदेह हो रहा है। बस बहनी साहेब, ऐसा लांछन लगाते समय आपको लज्जा नहीं आई? ये झांसी की महारानी का अपमान है। क्षमा कीजिएगा महाराज, झांसी की महारानी के सम्मान को कोई ठेस नहीं पहुंचाना चाहते। परंतु इतने वर्षों के बाद कोई स्त्री आए और कहे कि वो रानी लक्ष्मीबाई है तो उसकी बात को कैसे मान लिया जाए? कोई साक्षी है तो ये बताएं। बस वहनी साहेब, क्षमा कीजिए महाराज, अवश्य वहिनी साहेब हमसे क्रोधित हैं, परंतु हमें उनके पास जाकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। वहिनी साहब, शहद भरे शब्दों का सहारा लेकर सत्य को नहीं छिपाया जा सकता। हमें लगता है आपने आशीर्वाद दे देना चाहिए। वो क्या कह रही है कि वो लक्ष्मीबाई नहीं है, तो वो कौन है? आप मानती है ना कि आशीर्वाद देना और प्राप्त करना हमारे संस्कारों का अभिन्न अंग है? और छोटे होने के नाते तो हम आपके आशीर्वाद के प्रार्थी हैं। कृपया इनकार मत कीजिएगा।
वहनी साहब, किसी को अभी तक ये मालूम नहीं कि झांसी का राजकोष आपने चुराया था। क्या हम सबको साक्ष्य के साथ बता दें कि राजकोष आपने बता दें? सदा सदा सुहागन रहो बहू। हम तो बस तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे। तुम्ही तो हो हमारी लक्ष्मीबाई, वही रोजपूर्ण चेहरा, वही हिरनी जैसी आंखें, वही होठों पे गंभीर मुस्कान। लक्ष्मीबाई, जानकी बाई, अपनी देवरानी को आशीर्वाद दो। बेशक आप सही फरमा रही हैं, हमें तो पहले से ही यकीन था। या खुदा, मेरी बहू की किस्मत हरी रहे। संदल से मांग, बच्चों से गोद भरी रहे। विश्वास कीजिए महारानी साहिबा, हमारा आशीर्वाद सदैव आपके साथ था, है और रहेगा। वहनी साहब, कहती थी हम भरी बिसात पलट देंगे पर खुद ही पलट कर रह गए। जानकी साहिबा, देखा था आपने, कुछ कहा था धीरे से कान में, ऐसा क्या कहा था सक्कूबाई साहिबा जो आपने इतनी जल्दी सारे शक सुबह खत्म कर दिए? बस क्षमा याचना की हमसे, तो हमने भी क्षमा कर दिया। ओ अच्छा, थैंक गॉड, इट शुड बी नॉट क्वीन लक्ष्मीबाई। All our plans would have been wasted. हमें फोर्ट विलियम ने इसी काम के लिए भेजा है। महाराज, इस अवसर पर फोर्ट विलियम से दो विशिष्ट मेहमान उपस्थित हुए हैं, वो भी महारानी को कुछ भेंट करना चाहते हैं। Majesty, हम कंपनी बहादुर की तरफ से हेयर एक्सलेंसी को झांसी सेफली लौटने पर कैंचुलेट करता है और कंपनी बहादुर की तरफ से हेयर एक्सलेंसी को और ब्रेवरी के लिए कैंचुलेट किया है। And we will pray for your happy married life and for the hair of Jhansi. लंबी यात्रा से वापस लौटी हैं, उन्हें आराम की आवश्यकता है, इसलिए आज दरबार स्थगित किया जाता है।
क्षमा कीजिएगा महाराज, वो 11 गांव के निवासी महारानी को कुछ भेंट करने के अभिलाषी। ठीक है, उन्हें बुलाइए, भेज दो उन्हें अंदर। से आपको धन्यवाद दें हमारे बाल गोपाल इस खुली हवा में जी सके। हाँ, अब हम भूखे नहीं मरेंगे, हमारे खेतों में भी अफीम की जगह अनाज लहलाएगा। मोती बाई जी, देख तो ले आपको, अल्लाह कहीं हमारी नजर ही ना लग जाए आपको। बहन की नजर नहीं लगती। नहीं मलिका आलिया, अपनों की नजर तो पहले लगती है। ये लीजिए ये तावीज, ये आपको हर मुश्किल से महफूज रखेगी। हुजूर, अब हमारी मलिका आलिया को अपनी नजरों से कभी दूर मत जाने दीजिएगा। दरबार स्थगित किया जाता है। आप बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। जी, हम ये चाह रहे थे कि आप कहिए। कुछ नहीं, आप हमारे बोलिए। अभी नहीं महाराज, मन्नू बेटा थकी हुई है, इसे इस वक्त विश्राम की आवश्यकता है। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं कुछ पल के लिए मन्नू को अपने साथ ले जाऊं। आओ बेटा। ऐसा लगता है कि वो सबके लिए बनी है। देखा तुमने सांवरिया, एक समय ऐसा था कि वो हमसे मिलने के लिए बेचैन हुआ करती थी, हमारे साथ समय बिताना चाहती थी, और आज हमारे लिए यह हमें क्या